हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज हम आपके साथ एक बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में बात करेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, बैठता है या एक आध वर्ड बोलना सीखता है, तो वो अपने चारों तरफ देखता है। पहला कदम उठाते ही वो अपने चारों तरफ देखता है कि कोई देख रहा है। और जब हम लोग उसे देखते हैं, बच्चे को देखते हैं, तो हम क्लैपिंग करते हैं उसके लिए और बच्चा बड़ा खुश होता है और उसको एनकरेजमेंट मिलता है कि अगली बार वो फिर और अच्छे से चल के दिखाएगा। जब वो पहला वर्ड बोलता है या कोई पोएम सुनाता है, स्कूल जाना शुरू करता है, हर चीज़ में वो अपने चारों तरफ देखता है नज़र दौड़ा के कि कोई मुझे देख रहा है और देखने वाले की नज़र में मेरे लिए अप्रिसिएशन है या नहीं है। तो जब हम उसे देखते हैं और उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, तो उससे उसको एक एनकरेजमेंट मिलती है और वो अपने मन में उस चीज़ को, उस खुशी को लेकर के दूसरा कोई काम करने की कोशिश करता है, जिससे बाकी देखने वाले उसको देख के खुश हों और वो उनकी तारीफ, उनकी क्लैपिंग सुन के खुश हो। तो ऐसे ही एक जेस्चर के बारे में आज हम आपके साथ बात करेंगे और वो है प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रू इंसिडेंट, आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स में इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनके दिमाग में कुछ नहीं घुसता था, पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं था, बहुत ही कमज़ोर थे, मंद बुद्धि तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, सोचने वाले सोचते थे कि वो पढ़ाई लिखाई में नहीं कुछ कर पाएंगे। तो जब उनके पेरेंट्स ने उनको स्कूल भेजना शुरू किया, तो एक दिन एक स्लिप बना के फोल्ड करके उनके हाथ में दी और कहा कि जाके अपने पेरेंट्स को देना। और उसकी मदर ने देखा, खोल के देखा और फोल्ड करके उसको वापस रख दिया। बच्चे ने पूछा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो माँ ने कहा इसमें लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बहुत होशियार है, क्लास के बाकी बच्चे उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो ये उनके साथ वो बच्चे इसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको इस क्लास में सबके साथ नहीं रख सकते हैं। तो ठीक है, माँ ने बता दिया, बच्चे ने समझ लिया और उसके बाद उन्होंने अपने घर में थोड़ी बहुत पढ़ाई की जैसा वो पढ़ना चाहते थे। और आपको मालूम है कि साइंटिफिक वर्ल्ड में एक नाम है, कितनी बड़ी उन्होंने खोज की। तो कैसे की, जब वो बड़े हुए और उनकी मदर नहीं, उन्होंने उस डब्बे में वो जो फोल्ड करके पर्ची रखी हुई थी वो निकाल के पढ़ी और उसमें क्या लिखा हुआ था देखकर हैरान रह गए। उसमें लिखा हुआ था आपका बच्चा मंद बुद्धि है, वो कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं, आप अपने बच्चे को घर में रखिए। तब उन्होंने महसूस किया कि माँ के एनकरेजमेंट के वर्ड्स जो थे, चाहे उसमें पर्ची में नहीं लिखे हुए थे, उन्होंने उसको कितना प्रोत्साहन दिया और आगे चल के वो अपने इस दुनिया में अपना नाम कर पाए। तो इसी तरीके से हर इंसान, अगर उसको सही डायरेक्शन में सही प्रोत्साहन मिले, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो एक नॉर्मल लाइफ में चार चीज़ें तो बहुत बेसिक हैं जो हर किसी को अपने जानने वाले के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, रिलेटिव्स के साथ करना ज़रूरी है, इस जिससे कि बहुत बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो सामने वाला काम कर रहा है उसको वैलिडेट करो कि वाकई में हाँ वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ताकि उसको करने का एनकरेजमेंट मिले। फिर उसको आप स्माइल दो, येस यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग गुड जॉब। जब कोई कुछ काम कर रहा है और वो मान लो उस काम के बारे में आपके साथ बात करना चाहता है, कोई नया प्रोजेक्ट करना चाहता है, कोई नया कुछ बनाना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है, तो आप बड़े ध्यान से उसकी बात सुनो, बीच में उसको डिस्करेज मत करो। उसको ये तो कभी मत कहो कि आप नहीं कर सकते हो, रियलिस्टिक आपको पता है सामने वाला क्या कर सकता है और क्या करना चाहता है। आप उसको सजेस्ट कर सकते हो इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन कभी भी किसी को भी ये मत कहो कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, ये ऐसा करने से डिस्करेजमेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है इससे। अगर आपका बच्चा है और आपसे वो कुछ कहता है, तो उसकी बात पूरी सुनने के बाद ही उसको आप कुछ भी बताना है वो बताओ, बीच बीच में रोक रोक के उसकी गलतियाँ निकालना मत शुरू करो, नहीं ये ऐसा नहीं है, और उसको करने दो ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। उस जो भी वो कर रहा है उसमें नेगेटिव रिस्पांस मत दो, आप पॉजिटिव उसको रिस्पांस दो, यस यू कैन डू इट, यस इट इज़ वेरी गुड,
यस यू कैन इम्प्रूव इट इन दिस वे. तो इस तरीके से जब आप बात करोगे, तो ये मैं सिर्फ बच्चों की या स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, ये बड़े होने के बाद भी अगर आप ऑफिस में हो और तो आप अपने ध्यान से अपने अगर बॉस की बात सुन रहे हो ध्यान से सुनो ताकि आपका काम इम्प्रूव हो, आप में कॉन्फिडेंस. अगर आप अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हो तो उसकी बात ध्यान से सुनो कि वो किस तरीके से काम करना चाह रहा है, फिर उसको सजेस्ट करो. ये बीच में टोक के मत कहो कि तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो. और जब कोई काम कर लेता है तो आप उसको दिखाओ, जैसे बच्चे ने अच्छा काम किया आप उसको स्टार दो उसकी कॉपी में, यस उसने किया. अगर ऑफिस में किसी ने किया तो आप अप्रिसिएशन की एक मेल डाल दो, बहुत ही अच्छा लगेगा उसको और उसको अगली बार और ज़्यादा काम करने के लिए एक इनक्रेजमेंट मिलेगा. तो इस तरीके से हम किसी का भी मोरल बूस्ट कर सकते हैं और उससे अच्छा काम ले सकते हैं. आप अगर मैं बच्चों की बात करूं तो आप अगर बाहर वालों के साथ सामने उसकी तारीफ़ कर रहे हो तो रियलिस्टिक होना चाहिए. आपको पता है आपके बच्चे के बारे में, आप उसकी झूठी तारीफें ना करो. झूठी तारीफ़ करने से भी बच्चे का नुकसान होगा. ऐसे ही ऑफिस में आप सबॉर्डिनेट की तारीफ़ कर रहे हो किसी दूसरे के सामने, तो उसकी रियल में तारीफ़ करो, जो असली बात है. झूठी तारीफ़ें हमेशा नुकसान करती हैं और असली तारीफ़ जो सही रियल है वो प्रोत्साहन देती है. अगर कहीं हेल्प की ज़रूरत हो तो उसकी हेल्प जरूर करो. इम्प्रूवमेंट में हेल्प, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में हेल्प, तो ये आपके लिए ज़रूरी है. आप उसकी इस तरीके से मदद कर सकते हो. तो क्योंकि जो सामने वाला काम कर रहा है वो बाकी सभी की तरह काम कर रहा है लेकिन कुछ अलग तरीके से करना चाहता है, अलग तरीके से अपना एक दिखाना चाहता है कि मैं यस आई कैन डू इट. तो उसमें आप उसकी हेल्प करो और ये इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोत्साहन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है. मुझे आशा है आप शायद मेरी ये चीज़ आपको पसंद आएगी, आप इसे लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. थैंक यू.